and gentlemen, welcome back to your own channel, Sartarun Rupani, exclusive channel for ICSE board students. और हाँ, history की बारी है आज, और आपने कहा, हमने बनाया. ये exclusive channel है ICSE students के लिए, जिसमें हम आपके लिए exclusive content बनाते हैं, और सिर्फ यही एक मात्र channel है, जहाँ सब कुछ absolutely free मिल रहा होता है. हाँ, notes free है, lesson videos free है, sample papers free है, notes पीडीएफ के रूप में भी, एमसीक्यूज भी, सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री है. हाँ, हम किसी भी तरह का कोई भी चार्जेस आपसे नहीं ले रहे होते हैं. बस एक ही चीज का ध्यान देना है कि जो लाइव लिंक्स चल रहे हैं, लेसन्स चल रहे हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट जरूर करें. तो आज बारी है हिस्ट्री का लेसन, महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट. आप कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में मास फेस कब आया? कब आया? जब आम जनता, स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स, टीचर्स, लॉयर्स, सब ने पार्टिसिपेट किया. ऐसा समय कब आया? उस फेज का नाम दिया गया है मास फेज. मतलब जब जन जन ने, भारत के हर एक नागरिक ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए आंदोलन किया. नाम था मास फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट. तो यही है गांधी जी की आंधी. इसीलिए इस फेज को, जब महात्मा गांधी इंडियन नेशनल स्ट्रगल में आ जाएंगे, भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जब एकजुट हो जाएंगे हम सब, इस फेज में गांधी जी के ही यस नाम चलेगा. तो फ्रॉम 1919 टू 1948 टिल द डेट ऑफ गांधी जीज डेथ, दिस एरा इज नोन एज गांधियन एरा. गांधी की आंधी चलेगी, क्योंकि जो गांधी जी कहेंगे वही देशवासी सब करेंगे. इसीलिए हम इन्हें प्यार से बापू या महात्मा कहते हैं. आप जानते हैं महात्मा गांधी को ये महात्मा शब्द किसने दिया? क्या आप जानते हैं? और क्या आप जानते हैं कि ये बापू वर्ड, हाँ, महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन, बापू शब्द किसने दिया? चलिए आपको बताते हैं. रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा शब्द का प्रयोग किया बापू, हाँ, अब महात्मा प्रयोग किया गांधी जी के लिए, और बापू शब्द जो है वो दिया सुभाष चंद्र बोस जी ने. तो इस तरीके से महात्मा गांधी के ये दो नाम और हो गए. तो चलिए पूरे चैप्टर को एक ही शॉट में फिनिश कर देंगे. हम जानेंगे कि कैसे दो बड़े मास मूवमेंट्स गांधी जी ने इस चैप्टर में लॉन्च किए. चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको पता चलेगा कि कैसे हमने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए. आइए, इसी चैप्टर में देश प्रेम जगेगा. तो मोहनदास करमचंद गांधी, पूरा नाम गांधी जी का, बचपन का नाम है मोहनदास जी, मैं और आप उनको महात्मा गांधी जी के नाम से जानते हैं. तो बापू या महात्मा इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रगल, इंडियन नेशनल मूवमेंट में छाए रहे फ्रॉम 1919 टू 1948. सो दिस पीरियड केम टू बी नोन एज गांधीयन एरा, गांधी का फेज. जी, गांधीयन पीरियड है ये. तो गांधी जी 2 अक्टूबर को, हाँ, हम लोग हर साल मनाते हैं, आप और मैं अभी रिसेंटली ही 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाए थे, जो कि हमारे देश में नेशनल हॉलीडे है. हाँ, दो और नेशनल हॉलीडे हैं आपको बनाना है, जो आप मनाते हैं, आप और हम सब मिलकर के वो दो और नेशनल हॉलीडे बनाते हैं. टेल मी द 2 अदर नेशनल हॉलीडेज अदर देन दी गांधी जयंती. सो 2 अक्टूबर को, हाँ, आपको बताना है, मैं वेट करूंगा आप लोगों का. हाँ, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं हर एक कमेंट को देखूंगा, उस पर लाइक कर सकता हूं, उस पर टिक लगा सकता हूं. हाँ, वेट करूंगा आप लोग आंसर्स का. तो गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 को बॉर्न हुए थे. गांधी जी के फादर करमचंद गांधी जी दीवान थे राजकोट में. अब गांधी जी खुद भी इंग्लैंड पढ़ने गए, लॉ की स्टडी करने गए, और वहां से जब वो वापस आए तो उन्होंने भारत में लॉ की प्रैक्टिस की, और यहां से उनको बुला लिया गया साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में ही गांधी जी वहां जाकर सत्याग्रह करना सीखा और अंग्रेजों से लोहा लेना सीखा, क्योंकि वहां पर भी अंग्रेज क्या कर रहे थे,
प्लेक्स के साथ अत्याचार कर रहे थे, जो हमारे साथ भारत में कर रहे थे, वही गांधी जी ने वहां अंग्रेजों से लोहा लेना सीखा। जब गांधी जी वापस लौटे, हाँ वैसे गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु का नाम आपको बताना है। हाँ मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको, एक पॉलिटिकल गुरु है गांधी जी के, जिनके कहने पे गांधी जी वापस इंडिया आए और फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया। आपको बताना है गोपाल कृष्ण गोखले, दी पॉलिटिकल गुरु और दी गांधी जी। गांधी जी आएंगे 1915 में और आकर के डायरेक्ट नेशनल मूवमेंट पे नहीं पहुंच जाएंगे, जी नहीं। गांधी जी पहले इंडिया का सर्वे करेंगे, इंडिया में क्या चल रहा था वो ये देखेंगे। तो गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया चंपारण में, बिहार में एक छोटा सा प्लेस है चंपारण, जहां पर फार्मर्स को मजबूर किया जाता था इंडिगो क्रॉप उगाने के लिए, नील की खेती करने के लिए। इसमें 3/20th ऑफ द लैंड किसानों की दे दी जाती थी इंडिगो फार्म करने के लिए, और जो इंडियन फार्मर्स थे वो उगाना नहीं चाहते थे। इन्हीं की मदद करने के लिए गांधी ने चंपारण में आंदोलन किया और हेल्प किया फार्मर्स को, उनका राइट्स दिलाया। ये पहला, ये फर्स्ट गांधी जी का सत्याग्रह मूवमेंट था इंडिया में। तो चंपारण के मूवमेंट से गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह किया और इंडिया में, यस इंडिया में उनको विजय हासिल हुई अंग्रेजों के खिलाफ। फर्स्ट टाइम पहली बार गांधी जी को मिला 1917 में। उसके बाद गांधी जी ने अहमदाबाद में मिल वर्कर्स के लिए, मिल ओनर्स कौन थे, ब्रिटिशर्स थे, यूरोपियंस थे, मिल वर्कर्स के साथ आंदोलन किया और उनको भी मदद दिलाया। बाद में खेड़ा नाम के प्लेस में, खेड़ा, यस खेड़ा नाम के प्लेस में पीजेंट्स के पक्ष में गांधी जी ने सत्याग्रह किया और वहां पर भी, खेड़ा में भी क्या हुआ, गांधी जी की बात मानी गई। तो इस तरीके से गांधी जी ने सत्याग्रह पर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और वो सारे एक्सपेरिमेंट्स सही साबित हुए। तो सत्य आग्रह, सत्य के लिए जिद करना, अपनी बात को मनाने के लिए अंग्रेजों के आगे क्या रहना, डटे रहना, विद बी नॉन वायलेंस, किसी भी वायलेंस के बिना। और यहां से शुरू होता है भारत का सबसे बड़ा मूवमेंट, सबसे पहला है इंडिया का मास मूवमेंट, नाम है नॉन कोऑपरेशन, अर्थात असहयोग आंदोलन। कोऑपरेट नहीं करेंगे, आपकी मदद हम नहीं करेंगे अंग्रेजों, ऐसा मूवमेंट। क्योंकि गांधी जी का मानना था कि अंग्रेज इंडिया में इंडियंस के कोऑपरेशन से ही अपना एम्पायर बना पाए थे, और अगर हम इंडियंस अंग्रेजों का साथ छोड़ देंगे तो अंग्रेज अपने आप यहां से लौट जाएंगे। सही था गांधी जी की सोच। तो नॉन कोऑपरेशन मींस प्रोटेस्ट करना, विरोध करना, उनके साथ कोऑपरेट न करना जो हमारे साथ ईवल कर रहे हैं अंग्रेज। तो क्या कॉज था, क्या रीजन था कि हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया भारत में, असहयोग आंदोलन क्यों आया, उनमें सबसे बड़ा रीजन रहा रॉलेट एक्ट। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो अंग्रेजों ने हम इंडियंस से मदद मांगी थी, हम इंडियंस ने मदद भी की उनको, हम इंडियंस ने उन्हें मदद की और उन्हें टर्की नाम के देश को जीतने में मदद की। सही कह रहे हैं, हम इंडियन सैनिकों ने वहां जाकर वर्ल्ड वॉर वन में जाकर के अंग्रेजों की मदद की और उन्हें बहुत सारे बैटल्स जिताए, जिसमें टर्की को भी जीत के दिया। बदले में हमें क्या मिला, वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, हमने मांगा कि हमने आपकी मदद की है, हमारी अब क्या करो, आजादी दे दो हमें, डोमिनियन स्टेटस दे दो, पूरा आजाद मत भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो। अंग्रेज इतने दुष्ट थे, आजादी देने की बजाय हम पर एक काला कानून लागू कर दिया, नाम रखा रॉलेट एक्ट। तो इस एक्ट को इतना खराब क्यों कह रहे हैं, ये कानून अंग्रेजों ने जो हम पर बनाया 1919 में वर्ल्ड वॉर वन खत्म होने के बाद, बजाय आजादी देने के, हमें बजाय डोमिनेंस स्टेटस देने के लिए हम पर एक और कानून लगा दिया रॉलेट एक्ट। हम सब मना कर रहे थे कि ये काला कानून इंडिया में न लाया जाए, बट अंग्रेज नहीं माने। क्या था ये कानून जो हम मना कर रहे थे, इस कानून का मकसद था कि ब्रिटिशर्स के पास और पावर आ जाए, वो किसी को भी जेल कर सकते हैं बिना उस पर मुकदमा चलाए। और क्या था इस एक्ट में, इस एक्ट में किसी को बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता था, किसी को इन कैमरा ट्रायल अर्थात किसी बंद जगह पे ले जाकर के उसको पीट कर मार करके दफन भी कर दिया जा सकता था, अर्थात जज नहीं आएगा कहीं बीच में भी, उसको रोका नहीं जाएगा, उस पर अत्याचार होता रहेगा, और तो और किसी भी इंडिविजुअल को कहीं आने जाने से रोका जा सकता है।
अर्थात फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हमारा छीन लिया जाएगा, हमारे राइट टू हैव द बॉडी जिसे कहते हैं हैबियस कॉर्पस, अर्थात किसी के शरीर को जिंदा या मुर्दा अपने काबू में रख सकते थे अंग्रेज। ये आजकल हमारा हमारा एक राइट है, आपको बता दे रहा हूं। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी, अर्थात जिंदा या मुर्दा किसी व्यक्ति को सामने लाना पड़ेगा कोर्ट के, किसी भी व्यक्ति को, अगर कोई पुलिस भी ले जाएगी तो भी, मिलिट्री भी ले जाएगी तो भी, ये राइट है। पर ये राइट भी सस्पेंड हो गया था उस समय, रॉलेट एक्ट ने इस राइट को छीन लिया था। तो एक तरह से हमारे पर एक चोर का झटका दिया गया हमको, हमें आजादी देने की बजाय अंग्रेजों ने हम पर बहुत अत्याचार किया। गांधी जी ने रिक्वेस्ट भी की वॉइसरॉय को, पर वॉइसरॉय ने किसी भी बात से मानने से मना कर दिया। नतीजा गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू कर दिया, सत्य के लिए आंदोलन, सत्य के लिए आग्रह। इस सीन को देखे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब आप इस सीन को पहचान पाएंगे कि ये सीन कुछ और नहीं, ये सारे सिपाही एक व्यक्ति जनरल डायर, ये दिख रहा होगा आपको, ये व्यक्ति जनरल डायर है, इसके ऑर्डर पे इंडियंस को गोलियों से भून रहे हैं। तब तक गोलियां चलती रहेंगी जब तक इनके हथियार में गोलियां, बंदूक में गोलियां है। और ये सारे इंडियंस खड़े हुए हैं एक इवेंट के लिए, और वो है जलियांवाला बाग में। तो जलियांवाला बाग में आज 13 तारीख है, मनहूस दिन है 13 अप्रैल 1919 को इंडियंस इकट्ठा होते हैं एक छोटे से बगीचे में, छोटे से बाग में, जो कि गोल्डन टेंपल के पास में ही है। हाँ, मैंने भी देखा है, मैं तो विजिट भी लिया हूं, और मैंने इस पे तो एक पर्सनल डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। हाँ, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं, देखना चाहते हैं आप उसको, तो मैं इसको डॉक्यूमेंट्री को दिखा सकता हूं। हाँ, ये डॉक्यूमेंट्री मैंने छोटी सी, ये जलियांवाला बाग पर डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई हुई है, और एक दूसरे चैनल पे मेरा एक शॉर्ट्स चैनल है उस पे इसको जीजी हुई है। वैसे मैं इसका लिंक आपको भेज दे रहा हूं। हाँ, जलियांवाला बाग आज के दिन में कैसा दिखता है। हाँ, तो जलियांवाला बाग एक छोटा सा बाग है जिसमें एक नैरो सा एंट्रेंस है, एक सिंगल एंट्रेंस है, बाकी चारों तरफ बिल्डिंगे बनी हुई है। तो इस जलियांवाला बाग में इंडियंस इकट्ठा हुए थे वहां पर, वो इसलिए इकट्ठा हुए थे ताकि वो विरोध कर सके। उनके दो लीडर्स डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों को ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया था, इसलिए वहां पर ये इकट्ठा हुए थे, ये प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हुए थे। और तब वहां पर पहुंचा जनरल डायर, और जनरल डायर ने उस एग्जिट को बंद कर दिया, अपने सिपाहियों को बैठा दिया, और तब तक गोलियां चलाता रहा जब तक सारी गोलियां खत्म नहीं हुई। ये मैसेकर, ये इंसिडेंट एक बेदर्द इंसिडेंट था, क्योंकि हजारों इंडियंस ऑन द स्पॉट मार दिए गए, उसमें औरतें थी, बच्चे थी, सब मारे गए वहां पर, हजारों घायल भी हुए। तो इस इंसिडेंट से पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में, एक झकझोर दिया। यस, गांधी जी का तो विश्वास ही उठ गया अंग्रेजों से, उनको टाइटल मिली थी केसरे हिंद, गांधी जी ने अपनी टाइटल, जो उनको टाइटल मिली थी, लौटा दी। हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिली थी सर की उपाधि, जिसको हम नाइटहुड के नाम से जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि नाम की एक बुक लिखी थी जिसके लिए, जिसकी वजह से उनको मिली थी सर नाम की उपाधि, SIR, जैसे आप मेरे नाम के आगे भी जानते हैं SIR, सर तरुण बानी, वैसे श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी को भी सर की उपाधि, सर की उपाधि जिसे नाइटहुड कहते हैं। ब्रिटिशर्स में सबसे बड़ी उपाधि, सबसे बड़ा दर्जा होता है सर का दर्जा। हाँ, सर मिलना सबसे बड़ा ऑनर होता है ब्रिटिशर्स में, वो रविंद्रनाथ जी को दिया गया था, और उन्होंने इसको भी फेंक दिया, छोड़ दिया, कहा हमें ये नाइटहुड नहीं चाहिए, आपने हमारे इंडियंस के साथ बहुत अत्याचार किया है। यस, याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी वही हैं जिन्होंने हमारा नेशनल एंथम लिखा है, हमारा जो जन गण मन है वो लिखने वाले हैं श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी। और तो और, बांग्लादेश का जो भी नेशनल एंथम है अमार सोनार बांग्ला, वो भी श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। तो उन्होंने जलियांवाला बाग के बाद अपनी नाइटहुड की टाइटल लौटा दी। और क्या हुआ देखिए, और क्या इंसिडेंट हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसकी वजह से भी लिया जाएगा। और तीसरा रहा खिलाफत मूवमेंट, खिलाफ मतलब विरोध, खिलाफ मतलब अगेंस्ट। तो 1918 में हमने टर्की को जीत लिया, ब्रिटिश सेना ने टर्की को जीत लिया, और टर्की के जो गुरु होते हैं, टर्की के जो किंग होता है, टर्की का जो लीडर होता है, उसे खलीफ कहते हैं। खलीफ मुसलमानों के, इस्लाम धर्म के सबसे बड़े गुरु का नाम होता है, जैसे क्रिश्चियंस में पोप होते हैं,
आपको पता होगा पोप क्रिश्चियंस के सबसे बड़े धर्म गुरु रिलीजियस हेड होते हैं और हिंदू में शंकराचार्य होते हैं, वैसे ही मुस्लिम्स में सबसे बड़े जो धर्म गुरु होते हैं वो खलीफ होते हैं। उस खलीफ को जो कि टर्की का राजा होता है, टर्की का हेड होता है, उसको अंग्रेजों ने रिमूव कर दिया, उसके पावर छीन लिए गए क्योंकि ब्रिटिश ने टर्की को जीत लिया। इसका विरोध सारे विल्ड में, पूरे वर्ल्ड में हुआ, हर जगह जहां जहां मुस्लिम थे उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। और भारत में अली ब्रदर्स नाम के दो मुस्लिम ब्रदर्स थे, मैं उन दोनों को भी दिखा देता हूं, मौलाना अली और शौकत अली जी, ये दोनों ने भारत में शुरू किया खिलाफत मूवमेंट। खिलाफ मतलब अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने उनके धर्म गुरु को रिमूव कर दिया है। आप जानते हैं गांधी जी को पहली बार प्रेसिडेंट बनाया गया ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का, और यही गांधी जी को मौका मिल गया हिंदूस को और मुस्लिम्स को यूनाइट करने का, दोनों को एकजुट करने का गांधी जी को मौका मिल गया। और उन्होंने ही डिसाइड किया कि हम मिल करके खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च करेंगे नॉन कॉपरेशन के साथ। चलिए, तो क्या था मकसद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का? मकसद था हमारे देश में सेल्फ गवर्नमेंट आ जाए, रॉलेट एक्ट में जो हुआ है उसको वापस किया जाए, रॉलेट एक्ट को कैंसिल कर दिया जाए, इसे कहते हैं एन्यूलमेंट अर्थात कैंसिलेशन ऑफ द रॉलेट एक्ट। और पंजाब में जलियांवाला बाग में जो हमारे अत्याचार हुआ है उसका बदला लेंगे, और तो और खिलाफत में जो अंग्रेजों ने किया है, तुर्की में जो हमारे साथ किया है उसका भी बदला, रेमेडी ऑफ खिलाफत रॉन्ग, इनके लिए, इन सब के लिए शुरू किया गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्या था इस मूवमेंट में, क्या करना था इस मूवमेंट ने? मूवमेंट तो लॉन्च कर देंगे, करेंगे क्या इसमें? सबसे पहला काम करेंगे बायकॉट। वैसे बायकॉट मतलब होता है त्याग देना, मतलब होता है किसी का साथ छोड़ देना। अगर हम किसी का बायकॉट कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम उसके साथ नहीं रहेंगे। तो बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, बायकॉट ऑफ लिकर, बायकॉट ऑफ ऑल थिंग्स दैट बिलोंग टू द ब्रिटिशर्स, हर एक चीज का विरोध करेंगे, इवन इलेक्शंस का विरोध करेंगे। और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे उन्होंने भी अपनी सीट छोड़ दी, जिनको काउंसिल में चुनाव में सीट मिली थी उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी। और तो और जो टाइटल्स दी गई थी, जैसे मैंने कहा गांधी जी को टाइटल मिली थी, केसरी हिंद, रविन्द्रनाथ को टाइटल मिली थी, सर की उपाधि मिली थी, सबने अपनी टाइटल्स लौटा दी। और तो और गवर्नमेंट के फंक्शंस में, गवर्नमेंट के किसी एस्टेब्लिशमेंट्स में जाने से उन्होंने मना कर दिया। ये था बायकॉट करना, विरोध करना। और क्या किया? स्वदेशी शुरू किया, गांधी जी ने स्वयं चरखा चलाना शुरू किया, गांधी जी खुद अपने हाथ से तागा बनाते, खादी बनाते, ताकि इंडियंस में यह विश्वास जगा सके कि इंडिया फॉर इंडियंस, स्वदेशी अर्थात ऑफ वन ओन कंट्री, बी इंडियन बाय इंडियन, ये इसका एक मेन नारा था। चाहते थे कि भारत में जो इंडियंस है वो अपने हाथ से अपनी बनी चीजों का इस्तेमाल करें, फॉरेन के गुड्स न ले। इसमें एक और मकसद था गांधी जी का स्वदेशी प्रोग्राम में कि अनटचेबिलिटी को, हाँ, दलित्स को अत्याचार ना हो, उनके वो बराबर माना जाए। उन्होंने ही उनका नाम हरिजन दिया था गांधी जी ने। आते और क्या एक्टिविटीज की गई इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट द्वारा, क्या क्या हुआ? ऐसा मूवमेंट कभी देखा ही नहीं गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट था जो इससे पहले भारत में कभी नहीं हुआ। और इस मूवमेंट को हर एक नागरिक ने क्यों पार्टिसिपेट किया, गांधी जी के नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन को हर एक लोगों ने फॉलो किया, एक एक जन ने फॉलो किया। कैसे? आइए कुछ एग्जांपल देते हैं। जितने बड़े लॉयर्स थे उस जमाने में, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू जी, उन सब ने अपनी लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी, कोर्ट में जाना छोड़ दिया, बोला नहीं हम असहयोग करेंगे, हम अब कोई भी कानूनी काम नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दिया, अरे आप होते तो क्या करते, तुम लोग होते तो क्या करते, कहते छोड़ो अच्छा है, मजा आ गया, स्कूल बंद मस्ती करेंगे। नहीं नहीं, उस समय भारत के लोगों में देश प्रेम की गजब की आग जगी हुई थी, एक नेशनलिज्म की आग लगी हुई थी और सबके अंदर। स्टूडेंट्स ने स्कूल कॉलेजेस छोड़ा पर पढ़ाई नहीं, ये छोड़ दीजिएगा, हाँ, तो स्कूल कॉलेजेस छोड़ दिया स्टूडेंट्स ने, क्योंकि वो अंग्रेजों के स्कूल कॉलेज हुआ करते थे, इंडियन स्कूल कॉलेजेस खोले गए। उसी समय हम भारतीयों ने अपना स्कूल कॉलेजेस खोलना शुरू किया और अपनी यूनिवर्सिटीज बनाई और वहां पढ़ने गए, ये ध्यान दीजिएगा। और कांग्रेस ने इलेक्शंस को बायकॉट कर दिया, गांधी जी ने खुद चरखा चलाया, लोगों को स्पिनिंग करना
बुनना सिखाया और अपने हाथ से कपड़ा बुनना लोगों को सिखाया ताकि हम अपने पर डिपेंडेंट हो जाएं। एक यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया, आपने सुना होगा, वेरी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, आप दिल्ली जाइए पता करिए, बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। इसको उस समय एस्टेब्लिश किया गया, बिहार में बनाया गया, बिहार विद्यापीठ हमारे वाराणसी में, जहां से आप मुझे देख पा रहे हैं, यस मैं हूं काशी अर्थात वाराणसी से, काशी में खोली गई काशी विद्यापीठ जी। आज इस काशी विद्यापीठ का नाम है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सही कह रहा हूं, ये बनारस में खोली गई थी, और गुजरात में गुजरात विद्यापीठ, इस तरह से बहुत सारे नेशनल यूनिवर्सिटीज बनाई गई थी 1920s में, और इन यूनिवर्सिटीज में ही हमारे इंडियन सिटीजन्स, हमारे इंडियन स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, और पढ़ाने वाले भी इंडियंस थे, जैसे आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर जाकिर हुसैन, लाला लाजपत राय, ये बड़े बड़े लीडर्स उन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर और बड़े लीडर्स ने अपनी टाइटल्स दे दी, गांधी जी ने अपने मेडल्स लौटा दिए, जो गांधी जी को मेडल्स मिले थे साउथ अफ्रीका से, सब लौटा दिया, क्या करने के लिए, असहयोग करने के लिए। लोगों ने मदद की पैसों से, लोगों ने पिकेट किया, पिकेट मतलब होता है जहां पे फॉरेन शॉप्स फॉरेन के सामान बिक रहे थे वहां पे लोग बैठे रहते थे, और अगर कोई इंडियन वहां जाता था, अगर कोई इंडियन जाता था तो उससे कट्टी हो जाता था, कट्टी हाँ यू नो मतलब कि उनसे हम लोग सोशल बायकॉट कर लेंगे, अगर कोई इंडियंस, अगर कोई भारतीय नागरिक विदेशी सामान खरीदता हुआ पाया गया, खास करके फॉरेन के लिकर को, फॉरेन के क्लोथ्स को, तो उनसे हम लोग क्या करते थे, अपनी रिश्तेदारी तोड़ लेते थे, इसे कहते थे पिकेटिंग करना। दुकानों पे नजर रखते थे इंडियंस दिन रात कि कौन जा रहा है अंग्रेजों की दुकानों से सामान खरीद रहा है, अंग्रेजों का सामान खरीद रहा है, और तो और विरोध करने के लिए उन्होंने अंग्रेजी गुड्स की होली जला दी थी, एक बॉनफायर जलाया था जहां पे सारे अंग्रेजी सामान उन्होंने अंग्रेजों के सामने जला दिए थे। ये था देश प्रेम जबरदस्त, गांव के लोगों को, जंगल के लोगों को, आदिवासियों को लग रहा था कि अब तो गांधी राज आ गया है। हाँ, उन्होंने फॉरेन टैक्स मना देना देना मना कर दिया, फॉरेस्ट के रूल्स को मानने से मना कर दिया। प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे जो कि अंग्रेजों के राजा है, याद रखिएगा, प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे 1921 में, उनका भी विरोध हुआ, हर जगह हड़ताल बुलाई गई और पुलिस ने लाठी चार्ज की और केवल फायरिंग कर दी, जिसमें 59 इंडियंस मारे गए 3 दिन के अंदर, बहुत अत्याचार हुआ था। तो एक तरह से अंग्रेजों ने हर कुछ कर दिया, एक कहते हैं ना सीमा पार कर दी अत्याचार करने की, इस मूवमेंट को बंद करने की, पर हमें रोक नहीं पाए जी नहीं। अब लोगों का डर जेल से खत्म हो गया, उनको जेल प्रिजन अब डरा नहीं रही थी, बल्कि प्रिजन अब पिलग्रिमेज लग रही थी। क्या उनको जेल लग रहा था, हम जेल नहीं जा रहे हैं, अगर पुलिस हमें जेल ले जा रही है तो हम तो तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, समझ गए। गांधी जी की वजह से प्रिजन का डर खत्म हो गया और प्रिजन पिलग्रिमेज की प्लेस बन गई, और लोग अब जन आंदोलन के रूप में हर एक ने पार्टिसिपेट किया, प्रोसेशंस लगाई गई, मीटिंग बुलाई गई, सब जगह बैन बैन बैन, कांग्रेस को इलीगल पार्टी घोषित कर दिया गया, और जितने लोग इसमें जुड़े लोग थे उन सबको अरेस्ट कर दिया गया या लाठी चार्ज की गई, खूब मारा पीटा गया, अत्याचार किया गया। पर एक इंसिडेंट हो जाएगा जिससे ये अंग्रेज तो नहीं रोक पाएंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ना उनकी हिम्मत नहीं है, उनके तो काम बंद हो गए हैं, उनका तो काम ही ठप पड़ गया था, पर एक गलती, एक इंसिडेंट ऐसा हो जाएगा जिससे ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अचानक अचानक गांधी जी बंद कर देंगे, और वो इंसिडेंट है चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा एक छोटा सा गांव है, गोरखपुर नाम की एक प्लेस है हमारे यूपी में, वहां पर एक छोटा सा गांव है चौरी चौरा, वहां पर 1922 को 22 पुलिसमैन को हम इंडियंस जला देंगे, जिंदा आग लगा के पुलिसमैन को जला देंगे। चौरी चौरा नाम का छोटा सा गांव है, क्यों, क्योंकि उन पुलिसमैन ने इंडियंस पे लाठी चार्ज की थी, उन पे फायरिंग की थी, बदले में इंडियंस ने क्या कर दिया, पूरा पुलिस थाना ही जला दिया। यस, इस इंसिडेंट को कहते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट। 22 पुलिसमैन के जलने के बाद गांधी जी शॉक्ड हो गए, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, उन्होंने तुरंत ही इस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया, और यहीं से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद। आप जानते हैं महात्मा गांधी से सारे बड़े लीडर्स नाराज हो गए, सुभाष चंद्र बोस जी स्वयं वो भी नाराज हो गए गांधी जी से, कहा इतना अच्छा मूवमेंट चल रहा था, हम बहुत करीब थे आजादी पाने के, हाँ उसी जमाने में शायद हम आजादी पा जाते क्योंकि अंग्रेजों का काम पूरा ठप हो चुका था, बट गांधी जी ने मूवमेंट को बंद कर दिया इस चौरी चौरा नाम के एक इंसिडेंट से, सस्पेंड हो गया मूवमेंट। तो आइए समझते हैं इस मूवमेंट का क्या इंपैक्ट पड़ा, क्या असर पड़ा हमारे देश पे।
तो देश प्रेम में एक नई मास मूवमेंट की ज्योति जग गई, एक ज्वाला जग गई। लोग अब अंग्रेजों के खिलाफ डरना छोड़ चुके थे। हर बच्चा, हर व्यक्ति, हर वर्कर, स्टूडेंट, टीचर, लॉयर, हर एक ने, इवन वुमेन्स ने भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। मास मूवमेंट बन गया। देश में लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, लोगों का डर खत्म हो गया, लोगों के अंदर अंग्रेजों से मुकाबला करने का, चैलेंज लेने की हिम्मत आ गई। सिर्फ एक पतले दुबले से आदमी, महात्मा गांधी जी की वजह से, है ना। और क्या हुआ, कांग्रेस एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बन गई और अब कांग्रेस के मूवमेंट्स मास मूवमेंट के रूप में हो गए। अर्थात अब जो भी कांग्रेस काम कर रही थी वो आम जनता के हित में काम कर रही थी, सब लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। एक और अच्छा मौका मिला इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का भी एक बहुत अच्छा चांस मिला। क्यों? क्योंकि इससे पहले अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के लिए बहुत सारी टेक्निक लगाई। आपको याद होगा जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उसका भी यही मकसद था। 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल, ईस्ट बंगाल एज मुस्लिम मेजोरिटी एंड वेस्ट बंगाल एज हिंदू मेजोरिटी, याद है। तो वो भी मकसद वही था, ताकि लोग लड़ते रहे आपस में। पर यहां मौका मिल गया हमें एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी एस्टेब्लिश करने का। और तो और बहुत सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए, जैसे अनटचेबिलिटी को हमने बैन करना सीख लिया, हरिजन को साथ लाए नेशनल मूवमेंट में। और क्या हुआ, ये नेशनल मूवमेंट भारत की हर एक हिस्से में फैल गया। देश प्रेम सिर्फ किसी एक शहर में नहीं, किसी एक इलाके में नहीं रह गया, बल्कि अब भारत का जन जन आंदोलन करने लगा। तो ये बहुत बड़ा मूवमेंट था। और तो और स्वराज लोगों ने मांगना शुरू कर दिया। स्वराज, आपको पता है जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी, उन्होंने एक नारा दिया था, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। मतलब स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, ये नारा था। तो इस तरह से स्वराज मतलब होता है अपना राज। अब हमें अपना राज्य चाहिए, आपके, हम अंग्रेजों के अब दब के नहीं रहेंगे। तो ये पावर था इस मूवमेंट का। सोच लीजिए क्या जबरदस्त मूवमेंट रहा होगा उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। तुम लोग रहे होते तो क्या करते? हाँ, आप लोग रहे होते अगर उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाले टाइम में और स्टूडेंट ही होते तो तुम्हारा रोल क्या होता? सोचो, इमेजिन करो, गांधी जी से मिलने का मौका मिलता, बड़े बड़े लीडर से मिलने का मौका मिलता, सड़कों पे आकर के झंडे लहराना और शायद पुलिस की मार खाना और एक साथ क्या करना, नारा लगाना, क्या मजेदार मूवमेंट रहा होगा। चलिए, फैक्टर्स लीडिंग टू दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अगला दूसरा मास मूवमेंट, याद रखिएगा गांधी जी ने तीन मास मूवमेंट ही टोटल किए हैं। सही बोल रहे हैं, थ्री मास मूवमेंट्स गांधी जी ने किए हैं। पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो भी हम पढ़ चुके हैं। दूसरा पढ़ने जा रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक 10 साल बाद आने वाला है। 1920 में आया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 1930 में आ रहा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो क्या अंतर है, और ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में और नॉन कॉपरेशन में क्या अंतर था? तो नॉन कॉपरेशन का मकसद था नॉट टू कॉपरेट विद द ब्रिटिश, ठीक है, और सिविल डिसोबीडियंस का मूवमेंट है टू अपोज द ब्रिटिश, टू नॉट टू ओबे द सिविल लॉज। अर्थात ब्रिटिशर्स के बनाए सिविल कानून को हम तोड़ेंगे, क्रिमिनल कानून को नहीं तोड़ना है। कौन सा कानून नहीं मानेंगे? टैक्स नहीं देंगे, फॉर एग्जांपल सॉल्ट अपने मन से हम बना लेंगे, तो ये सिविल लॉज को हम क्या करेंगे, डिफायंस करेंगे, ब्रेक करेंगे। ये था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ताकि अंग्रेजों का काम टूट जाए। तो ऐसा क्या हुआ, क्यों हमने लॉन्च किया, ये भी तो क्वेश्चन है कि ये सिविल डिसोबीडियंस की जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहला रीजन आया, ये फोटो आप देख लीजिए, सब जगह लिखे हुए काले रंग के बैनर्स में साइमन गोबैक। तो साइमन गोबैक क्यों? साइमन गोबैक 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में एक स्टेचुटरी कमीशन भेजा, जिसके सात के सात मेंबर्स ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर्स थे, उनके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन। क्यों ये आया था, ये साइमन कमीशन 1927 में भारत में क्यों आया? तो साइमन कमीशन आया था भारत में एक रिकमेंडेशन देने के लिए, भारत में घूमना था इनको और रिकमेंड करना था, एडवाइस देना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पर, किस पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर रिफॉर्म करना, कानून का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इस पर उनको रिफॉर्म बताना था क्या देश में और बदलाव की जरूरत है कानून की। इस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म पे उनको एडवाइस देने के लिए बुलाया गया था। अब इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं है, सात के सातों मेंबर्स कौन है, अंग्रेज हैं। अब हमारी देश में आए
हमारे ऊपर ही कानून बनाने वाले हैं और हमारी राय के बिना, ये तो हमारी बड़ी बेइज्जती है। इंडियंस को लगा कि ये परपजली अंग्रेज हमारा इंसल्ट कर रहे हैं, इसीलिए जहां गए वहां पे इनका विरोध हुआ। हमने इनका विरोध किया, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, एक ही नारा लगाया। और आपको पता है 1928 में लाहौर में एक ऐसे ही साइमन गो बैक के जब बड़ा आंदोलन चल रहा था, वहां पर हमारे प्यारे लीडर लाला लाजपत राय को लाठियों से मार दिया गया और लाठी इतनी मारी गई उनको कि वो घायल हो गए और एक महीने के बाद उनका देहांत हो गया। श्री लाला लाजपत राय जी 1928 में इस साइमन कमीशन के विरोध में बेचारे मर जाते हैं। जानते हैं, जाते जाते उन्होंने भारत को एक ऐसा वचन दिया कि मेरे शरीर पर पड़ी हर एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत की कील बनेगी, और ऐसा ही हुआ भी। तो साइमन कमीशन ने क्या किया, ये आया है भारत में क्या किया? तो साइमन कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया, सलाह दी गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश को। क्या सलाह दी? कि देश में डायर्ची बंद कर दी। डायर्ची मतलब होता है रूल बाय द टू गवर्नमेंट्स, एक इंडियन रूलर और एक ब्रिटिश रूलर, तो दो रूल्स नहीं चलेंगे, डायर्ची बंद हो जाएगा, बल्कि प्रोविंसेस को पूरी आजादी दे दी जाएगी। प्रोविंस मतलब प्रोविंस, प्रोविंशियल स्टेट्स, ठीक है ना, जैसे अवध एक प्रोविंस था, तो उनको पूरी आजादी दे दी जाएगी। गवर्नर्स को पावर मिलेगा, सिर्फ सिक्योरिटी मैटर्स में पावर मिलेगा, वरना प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी, अपना कानून बनाने का अधिकार, अपना काम चलाने का पूरा अधिकार दे दिया जाएगा। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाएगी उसमें चुनाव होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को और बड़ा किया जाएगा, और तो और गवर्नर जनरल खुद अपॉइंट करेगा, खुद इलेक्ट करेगा मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट। भारत को एक फेडरल के स्ट्रक्चर के रूप में बनाया जाएगा। फेडरल मतलब होता है जहां स्टेट्स होंगे और वो स्टेट्स मिल करके क्या करेंगे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएंगे, अर्थात सेंट्रल पावर विल बी मोर देन द स्टेट्स पावर, इसे कहते हैं फेडरल सिस्टम। हाई कोर्ट्स बनाई जाएंगी और हाई कोर्ट अंडर बी अंडर कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अर्थात हाई कोर्ट्स को एस्टैब्लिश किया जाएगा। तो इस तरीके से रिकमेंडेशंस तो अच्छे थे, पर हमारी इंडियंस की सलाह के बगैर थे, अपने फायदे के लिए थे, ब्रिटिशर्स के फायदे के हिसाब से बनाए गए थे। तो क्यों ऐसा हुआ, क्यों अंग्रेजों ने हम इंडियंस को उसमें मेंबर नहीं बनाया? हमारे ऊपर ही कानून बनाना है आपको, रिकमेंडेशन भी हमारे ऊपर ही देना है, तो हमको क्यों नहीं बनाया? तो अंग्रेजों ने एक बहाना दिया। क्या बहाना दिया जानते हैं? लॉर्ड बिरकेनहेड जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने एक बहाना दिया हमको, कहा कि आप इंडियंस यूनाइटेड नहीं है, आप सब लोगों के पास एकजुटता नहीं है। हिंदू महासभा अलग बोल रही है, मुस्लिम लीग अलग बोल रही है, कांग्रेस लीग अलग बोल रही है, सिख सभा अलग बोल रही है, इसीलिए आप लोग सब एकजुट नहीं है, इसीलिए आप लोगों को हमने साइमन कमीशन का मेंबर नहीं बनाया। तो इंडियंस को गुस्सा आ गया और मोतीलाल नेहरू जी को सारी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस बुलाने की अनुमति दी गई, अर्थात सारी पार्टीज को भारत की एक जगह बुलाया गया और इसके चेयरमैन थे श्री मोतीलाल नेहरू जी। है मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी के पापा का नाम है मोतीलाल नेहरू जी। और इस ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस की एक रिपोर्ट बनाई गई, नाम था नेहरू रिपोर्ट, अर्थात मोतीलाल नेहरू जी के नाम से है नेहरू रिपोर्ट। क्या था इस रिपोर्ट में? इस रिपोर्ट में उन्होंने साफ साफ लिखा कि हम सारे भारतवासी, हमारे देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन सब का क्या नारा है, उन सब की क्या डिमांड है, डिमांड है कि हमें डोमिनेंट स्टेटस दे दिया जाए, अर्थात ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आजादी, इसे कहते हैं डोमिनेंट स्टेटस। इंडिया की जो पार्लियामेंट होगी उसमें सेनेट होगा, सेनेट के मेंबर्स 7 साल के लिए चुनाव लड़ेंगे, 7 साल के लिए चुनाव में इलेक्टेड होंगे, और क्या होगा, लोकसभा होगी जिसे हम कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशंस, इसमें 500 मेंबर होंगे और ये 5 साल के लिए चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरीके से हमारी पार्लियामेंट बनाई जाएगी, और क्या होगा, ज्वाइंट इलेक्टोरेट होगा, रिजर्वेशन ऑफ सीट रखी जाएगी माइनॉरिटीज के लिए, अर्थात जिन जातियों की संख्या कम है, अर्थात जिनकी पॉपुलेशन कम है, उनको माइनॉरिटीज मान करके उनके लिए सीट रिजर्व कर दी जाएगी पार्लियामेंट में, उनको भी वोट दिया जाएगा। और तो और नए प्रोविंस बनाए जाएंगे लैंग्वेज के बेसिस पे, जैसे पंजाब को बनाया गया है पंजाबी भाषा के बेसिस पे, पता है कि नहीं आपको, महाराष्ट्र को बनाया गया है मराठी भाषा के बेसिस में, तमिलनाडु नाम के स्टेट को बनाया गया है तमिल भाषा के, तो कन्नड़ समझ गए ना, कर्नाटका कन्नड़, तो स्टेट्स को बनाना है, नए स्टेट्स बनेंगे लैंग्वेज को बेस मानते हुए,
जिस स्टेट में जो लैंग्वेज बोली जा रही है उस नाम का स्टेट बना दिया जाएगा, ऑल ओवर 19 फंडामेंटल राइट्स लोगों को मिलेंगे। तो ये था नेहरू रिपोर्ट में अंग्रेजों के छक्के छुड़ गए इस रिपोर्ट को देख करके। हाँ, अंग्रेजों को लगा कि हम इंडियंस डिवाइडेड है, आपस में ही हम लोग लड़ रहे हैं। जी नहीं, हमने इस नेहरू रिपोर्ट में साबित कर दिया कि हम सब एकजुट है। जानते हैं अंग्रेजों के पास कोई जवाब नहीं था हमारी इस रिपोर्ट का। अंग्रेजों ने इस रिपोर्ट को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, नेवर। नेहरू रिपोर्ट को कभी उन्होंने माना ही नहीं, वो तो सिर्फ साइमन कमीशन के पीछे पड़े हुए थे कि हमारा साइमन कमीशन है, हम उसी के रिकमेंडेशंस को मानेंगे। और आपको पता है साइमन रिकमेंडेशन के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लॉन्च हो जाएगा, बाद में आएगा। डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज, पहली बार स्वराज नहीं चाहिए, अब तुमसे स्वराज मांगते मांगते थक गए, अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, जिसे कहते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। इसका मतलब है अब अंग्रेजों को भारत से जाना होगा, अब हमें डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, अब हम यहां पर भारत में सिर्फ हमारा रूल चलेगा। इसको पहली बार हमने मांगा 1929 में। हाँ, दिसंबर 1929 में जब जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस समय यंग थे, पहली बार प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस बनाए गए, कांग्रेस पार्टी की जब वो प्रेसिडेंट बनाए गए, तो उन्होंने रेजोल्यूशन पास कराया कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाना शुरू भी कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने प्लेज ली, कसम ली, सौगंध ली कि हम भारत का आजादी हर साल मनाएंगे, अब 26 जनवरी को मनाएंगे। आप जानते हैं, और तब से 1930 के 26 जनवरी से हम लोग हर साल 26 जनवरी को झंडा लहराते और इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते, जबकि हम अंग्रेजों से आजाद भी नहीं हुए थे। तो 1930 से लेकर के हम इंडिपेंडेंस डे मनाते रहे, पर हम आजाद कब हुए? हम आजाद हो गए 15 अगस्त को। तो जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन को 26 जनवरी को एक रिजर्व डिकर के रख दिया। और जानते हैं 1950 में हमारे देश में जब हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया, तो हमने इस दिन को 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बना दिया। तो जो इंडिपेंडेंस डे हुआ करता था आजादी से पहले, उसको बना दिया गया हमने 26 जनवरी को। यही है हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ 26 जनवरी। और इस 26 जनवरी को अब हर साल आज भी एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, हमारा नेशनल हॉलिडे है। समझ गए ना? तो ये था इंपॉर्टेंस इसका। आइए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होने जा रही है 1930 में। गांधी जी ने 11 पॉइंट्स की डिमांड रखी है। कितनी? 11 पॉइंट्स की डिमांड, 11, 10 और 1, 11 पॉइंट्स की डिमांड रखी है। उस समय जो बोल रहे थे लॉर्ड इरविन, क्या डिमांड रखी है? डिमांड रखी है कि आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस कम करिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाइए, फालतू वेस्टफुल वॉर एक्सपेंसेस कम करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है टैक्सेस को रिड्यूस करिए, स्पेशली सॉल्ट पे टैक्स को हटा दीजिए, क्योंकि सॉल्ट उस समय मोनोपोली थी ब्रिटिशर्स की। अर्थात हम इंडियंस भली समुद्र किनारे रह रहे हैं, हमें समुद्र का पानी मिल भी रहा है, पर हमको सॉल्ट बनाने का पावर नहीं था, और बिना सॉल्ट के तो किसी घर में खाना बनता नहीं है। क्यों? घर में नमक चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो सारा सॉल्ट बनाने का पावर भी किसके पास था? अंग्रेजों के पास था, ब्रिटिशर्स के पास था। अब गांधी जी ने ये मांगा, डिमांड किया कि ये टैक्स हटा दिया जाए, पर जानते ही हैं लॉर्ड इरविन तो मानेंगे नहीं, और गांधी जी ने लॉन्च किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कैसे? खुद गांधी जी ने दांडी मार्च किया। दांडी एक प्लेस का नाम है, एक कोस्ट का नाम है, समुद्र के किनारे का नाम है। गुजरात में एक प्लेस है दांडी, दांडी एक समुद्र का किनारा है। गांधी जी साबरमती से निकलेंगे 78 फॉलोअर्स के साथ। गांधी जी का अपने आश्रम है साबरमती, वहां से निकलेंगे 78 फॉलोअर्स के साथ, और साबरमती से लेके 24 दिन गांधी जी चलेंगे, दिन भर चलेंगे, रात को आराम करेंगे जहां गांव मिलेगा, और 24 दिन चलेंगे, और 240 मील चलने के बाद गांधी जी पहुंचेंगे दांडी में, और वहां जाकर के जहां लाखों लोग गांधी जी का वेट कर रहे होते, वहां गांधी जी ने अपने हाथ से समुद्र के पानी से सॉल्ट बनाया। और उस समय सॉल्ट बनाने का पावर हमारे पास नहीं था, इंडियंस के पास नहीं, हम लोग को सॉल्ट बनाने का अधिकार नहीं था, और गांधी जी ने अपने हाथ से सॉल्ट बनाया और अपने आप को अरेस्ट करा दिया। कहा कि देखो अंग्रेजो, मैंने आपका कानून तोड़ा है, मुझे अरेस्ट कर लो। इस तरह से गांधी जी ने सारे देशवासियों में
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दिया। अर्थात हम अब सारे देशवासी सिविल कानून तोड़ेंगे। याद रखिएगा दो तरह के कानून होते हैं, सिविल लॉज होते हैं जिसमें हम किसी को चोट नहीं पहुंचाते हैं, जैसे टैक्स न भरना एक सिविल लॉ है, इसमें आपको फांसी नहीं होगी, जेल नहीं होगी, आप पे जुर्माना लगाया जाएगा, यही होगा ना। जब क्रिमिनल लॉ होते हैं वो खतरनाक लॉ होते हैं, किसी को मर्डर करना, डकैती करना, रेप करना, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। तो क्रिमिनल लॉ नहीं तोड़ना है, याद रखिएगा गांधी जी ने क्या कहा है, गांधी जी ने कहा है सिविल कानून तोड़ो, जैसे चौकीदारी टैक्स नहीं देंगे, फॉरेस्ट लॉस के रूल्स नहीं मानेंगे, टैक्सेस नहीं भरेंगे, सॉल्ट अपने हाथ से बना लेंगे, ऐसे कानून को तोड़ना है, समझ गए। तो सिविल डिसोबीडियंस शुरू किया, क्यों गांधी जी ने सॉल्ट को ही चुना, क्यों गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को ही तोड़ा, क्योंकि सॉल्ट हर घर में, सोसाइटी के हर एक के घर में जरूरत की चीज है और वो बहुत महंगी थी उस समय। तो इसीलिए सरकार को चेतावनी देने के लिए कि हम आपके सारे सिविल कानून को तोड़ेंगे, इसीलिए गांधी जी ने खुद सॉल्ट लॉ ब्रेक कर दिया और यहीं से शुरू हो गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसमें सॉल्ट लॉ को तोड़ना है, लिकर को बायकॉट, लिकर शराब होती है, शराब को बायकॉट करना है, फॉरेन गुड्स को बायकॉट करना है, और तो और किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देंगे, जाओ जो करना है कर लो, करना अरेस्ट कर लो, अरेस्ट डरते नहीं है तुमसे अब हम, ये अंग्रेजों को हमने चेतावनी दे दी। क्या था इस मूवमेंट में, तो इस मूवमेंट में सॉल्ट लॉ ब्रेक किया गया, फॉरेस्ट के कानून को तोड़ दिया गया, कहा जंगलों का कानून हम नहीं मानेंगे क्योंकि अंग्रेजों ने जंगलों पे कब्जा कर रखा था। हाँ, ट्राइबल्स को भी जाने का अनुमति नहीं थी, पेड़ की पत्तियां तोड़ने की अनुमति नहीं थी, ग्रेजिंग होती एनिमल्स की अनुमति नहीं थी, हमने कहा जो करना है कर लो, हम तो सारे नियम तोड़ देंगे, और तो और चौकीदारी टैक्स नहीं देंगे, पहले चौकीदारी टैक्स नाम का एक टैक्स देना पड़ता था, और तो और भारत में जहां मौका मिला लोगों ने हड़ताल किया, आंदोलन किया, फॉरेन गुड्स को जलाना शुरू कर दिया, बायकॉट कर दिया, सत्याग्रह हर जगह होने लगा, पिकेटिंग ऑफ फॉरेन लिकर शॉप्स होने लगी, और खान अबुल गफर खान एक पठान थे, यस, इन्हें कई बार कहते हैं फ्रंटियर गांधी, क्योंकि ये अफगानिस्तान वाले रीजन में, क्या अफगानिस्तान उस समय भारत का हिस्सा हुआ करता था, वहां के लीडर थे। देखिए इनको, देखिए खान अबुल गफर खान जी, हाँ, जिन्हें हम फ्रंटियर गांधी जी के नाम से जानते हैं। तो ये फ्रंटियर गांधी, खान अबुल गफर खान गांधी, ये पठान थे, इन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च किया, नाम रखा खुदाई खिदमतगार, खुदाई मतलब ईश्वर, अर्थात सर्वेंट्स ऑफ द गॉड, इनका मूवमेंट था रेड शर्ट मूवमेंट, ताकि हम क्या करें, अब देश के हम आंदोलन में हम पठान लोग पार्टिसिपेट करेंगे, और पार्टिसिपेट भी करेंगे, साथ में क्या करेंगे, अंग्रेजों के साथ नॉन वायलेंट वे में बिहेव करेंगे, हथियार नहीं उठाएंगे, लड़ाई नहीं करना है, मारपीट नहीं मचानी है, पर गांधी जी के नॉन वायलेंट तरीकों से क्या करना है, वो प्रेरित हो चुके थे, इसीलिए उनको बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता है, खान अबुल गफर खान जी को। नागालैंड में रानी गाइडी लू नाम की एक महारानी, सिर्फ 13 साल की महारानी ने यस गांधी जी के बातों को पालन करना शुरू कर दिया और रिवोल्ट में कूद पड़ी। तो इस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की वजह से अंग्रेजों के सारे काम फिर से ठप हो गए, क्योंकि गांधी जी की आंधी चल रही थी, जो गांधी जी कह रहे थे वो सब फॉलो कर रहे थे, मास मूवमेंट था, एक मास फेस चल रहा था इंडिया का। और क्या हुआ, अंग्रेजों ने भी क्या बैठ गए, अंग्रेज नहीं नहीं अंग्रेज इतने जल्दी से बैठने वाले नहीं है, उन्होंने इंडियंस पे फायरिंग करना शुरू कर दिया, लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया, लाखों लोगों को जेल में बंद कर दिया। मैंने कहा था लोगों का जेल से डर खत्म हो चुका था, अब जेल उनको तीर्थ यात्रा लगता था, सत्याग्रही को जेल कर दिया, गांधी जी को जेल कर दिया गया, कांग्रेस को इलीगल पार्टी घोषित कर दिया गया, और लोगों ने स्ट्राइक किया, जहां मिला काम बंद, हड़ताल कर दिया, किसी भी तरीके से हम आंदोलन करेंगे, और तो और फायरिंग कर दी गई, इवन दिल्ली और कोलकाता में तो लोगों को भी गोली से भून दिया गया। इसके बाद अंग्रेजों को लगा कि जब खूब अत्याचार कर चुके हैं अब क्या करें, तो उन्होंने अब टेक्निक निकाली, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोल मेज सम्मेलन, एक राउंड सा टेबल था लंदन में, जिसपे ब्रिटिशर्स हम इंडियंस के साथ बैठ करके बात करना चाहते थे, कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई 1930 में, गांधी जी नहीं गए, और पार्टी वाले गए थे, गांधी जी नहीं गए, अर्थात कांग्रेस नहीं गई, तो कांग्रेस के बिना भारत का तो कुछ होना ही नहीं था उस जमाने में, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, अंग्रेज भी जानते थे कि कांग्रेस के बिना कोई भी नियम काम नहीं करेगा, इसीलिए फर्स्ट राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस बुलाई भी गई, कांग्रेस नहीं गई, नतीजा ये बैठक बेकार साबित हो गई, क्योंकि गांधी जी गए नहीं,
ब्रिटिशर्स ने समझ लिया कि गांधी जी को बुलाना जरूरी है। और 1931 अगला साल 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी ठीक अगले साल 1931 में। यहां पर गांधी जी से रिक्वेस्ट की गई, भैया प्लीज आ जाओ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आ जाओ, हम आपकी क्या करेंगे, आपकी सारी बात मानेंगे, कांग्रेस के लीडर्स को जिनको हमने अरेस्ट किया है उनको छोड़ देंगे और जिनकी प्रॉपर्टीज छीन ली गई है उनको भी माफ कर देंगे, उनकी प्रॉपर्टीज लौटा देंगे। तो अंग्रेजों ने अपनी तरीके से गांधी जी को मना लिया सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आने के लिए। और तो और कांग्रेस ने भी वचन दिया कि तब तक हम अपने अपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देंगे। और गांधी जी तैयार हो गए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन जाने के लिए। जानते हैं वहां क्या हुआ, वही वही जिसका डर था कि गांधी जी की तो कुछ सुनी नहीं गई क्योंकि वहां सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डेडलॉक हो गया। अर्थात ब्रिटिशर्स ने वहां एक नई चाल चली, वहां पर दूसरी पार्टीज के लोग पहले से ही बैठे हुए थे जिसमें मुस्लिम लीग थी, हाँ सिख सभा थी, दलित के लोग थे, उन लोगों ने डेडलॉक कर रखा था, अर्थात काम बन रखा था क्योंकि वो लोग मांग कर रहे थे माइनॉरिटीज पर, कह रहे थे कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, हमें अलग से चुनाव किए बना सीट दे दी जाए, इसे कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। जैसे एग्जांपल देता हूं कि कोई एक एरिया है वहां पे सिर्फ और सिर्फ दलित ही रहेंगे और दलित को ही क्या कर रहा होगा चुन लिया जाएगा, इसका नाम है सेपरेट इलेक्टोरेट। मतलब और जाति वाले लोग रहेंगे वहां पर उनको वोट देने का अधिकार नहीं है, सिर्फ एक कास्ट को। इस तरह से धर्म के आधार पर, कास्ट के आधार पर क्या कर दिया जाएगा, सीट दे दी जाएगी, नाम था सेपरेट इलेक्टोरेट। ये उन्होंने डिमांड की, ये डिमांड मुस्लिम्स लोगों ने की, डिप्रेस क्लास के लोगों ने की, क्रिश्चियंस ने की, एंग्लो इंडियंस ने, इन सब ने वहां जाकर काम। गांधी जी नाराज हो गए और मूवमेंट छोड़ करके, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस छोड़ करके वापस इंडिया आ गए क्योंकि यहां पर तो कोई देश प्रेम की बात ही नहीं हो रही है, यहां पर तो आजादी की बात ही नहीं हो रही है, यहां तो कुछ और लफड़ा चल रहा है, यहां तो कुछ और लफड़ा चल रहा है। गांधी जी आए और वापस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दिया फिर से दोबारा। आइए थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि इसके अगले साल होगा 1932 में, इसमें 46 डेलीगेट्स पहुंचेगी। इस बार फिर से गांधी जी नहीं जाएंगे, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएंगे गांधी जी, सेकंड में गांधी जी को धोखा मिल ही चुका था तो तिबारा जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। इस बार गांधी जी नहीं जाएंगे और इस बार डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो कि डिप्रेस क्लास जो कि दलित कहलाते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने अंग्रेजों को मना लिया कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। और उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे अंग्रेजों के वो भी बहुत चलाक थे, रामसे मैकडोनाल्ड ने कॉम्युनल अवार्ड दिया। कॉम्युनल मतलब होता है धर्म के बेसिस पर चुनाव होंगे, मतलब जहां पर डिप्रेस क्लास के लोग दलित लोग होंगे वहां पे दलितों की सीट रिजर्व कर दी जाएगी, मुसलमानों की सीट रिजर्व कर दी जाएगी, इंडियन क्रिश्चियंस की सीट रिजर्व कर दी जाएगी। तो धर्म के बेसिस पे सबको सीट दे दी गई और बहुत सारी सीट दे दी गई। किनको दे दी गई, मुस्लिम्स को, बुद्धिस्ट को, सिख को, क्रिश्चियन को, अलग अलग सीट रिजर्व करके दे दी गई। इसका नाम रखा गया कॉम्युनल अवार्ड्स। जानते हैं गांधी जी ने भयंकर विरोध किया, उस समय गांधी जी यरवदा जेल में थे और उन्होंने भूख हड़ताल कर दी, बोला अब मैं जा रहा हूं मरने, मैं अब खाना अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे साथ धोखा किया है। जानते हैं उस समय गांधी जी की हड़ताल को रोकने के लिए, भूख हड़ताल को, फास्ट को रोकने के लिए स्वयं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब आए और उन्होंने गांधी जी की इस शर्त को मान लिया कि अब हमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए, दलित्स को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए। और गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ क्योंकि ये पूना में हुआ था इसीलिए इसका नाम है पूना पैक्ट। क्या था इस एग्रीमेंट में, एग्रीमेंट में ये था कि अब रिजर्वेशन ऑफ सीट दी जाएगी किसको, डिप्रेस्ड क्लास को इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स, अर्थात उनके लिए सीट तो रहेगी पर वो ऑर्डिनरी सीट्स में से सीट दी जाएगी, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा। इस तरीके से गांधी जी की बात मान ली गई और दोनों जन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ 1932 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के आने के सेकेंड नहीं थर्ड राउंड टेबल के कॉन्फ्रेंस के आने के बाद। तो सिविल डिसोबीडियंस वापस शुरू होगा गांधी जी के आने पर, गांधी जी को जेल कर दिया जाएगा, अंग्रेजों ने अत्याचार फिर से शुरू कर दिया और देश में लड़ाई झगड़ा कराना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने चलाकी ये चली कि वो हाई कास्ट हिंदूज और ब्राह्मण्स को अगेंस्ट खड़ा कर दिया दलित के,
देश में कम्युनिज्म लगा दिया, अर्थात हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ा दिया अंग्रेजों ने, मौका देखा और उन्होंने इन दोनों को लड़ा दिया। तो देश में एक अलग प्रॉब्लम चल रही थी, कांग्रेस के लीडर्स अरेस्ट कर लिए गए थे, उनकी प्रॉपर्टीज दे ली गई थी और सिविल डिसोबीडियंस का जो मोमेंटम था, जो जोश था, वो ठंडा पड़ गया, क्योंकि बीच में सस्पेंड कर दिया ना गांधी जी ने बीच में मूवमेंट सस्पेंड करके लंदन चले गए थे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने। उसके बाद जब मूवमेंट सस्पेंड हो गया तो उसका मोमेंटम खत्म हो गया, उसके अंदर जो जोश था, जो जुनून था लोगों का, वो ठंडा पड़ गया और देश में मैंने कहा कम्युनिज्म चलने लगा, अर्थात धर्म के आधार पर लड़ाई झगड़े होने लगे। ये अंग्रेजों ने चालाकी चली थी और हाई कास्ट हिंदूज को और दलित को लड़ा दिया, इस तरीके से अंग्रेजों ने चालाकी चली। 1934 में देखिए 1930 में शुरू हुआ था, 1934 में इस मूवमेंट को बंद कर दिया, कांग्रेस ने इस मूवमेंट को बंद कर दिया। गांधी जी ने काफी समय तक एक्टिव पॉलिटिक्स से अपना नाम भी हटा लिया, अर्थात गांधी जी भी अब लोगों से मिलना बंद कर दिए, पॉलिटिक्स में जाना बंद कर दिए। दूसरा सबसे बड़ा मूवमेंट था भारत की आजादी का। तो क्या इंपैक्ट पड़ा? तो उसका इंपैक्ट अंग्रेजों पर पड़ा। अंग्रेजों ने कांग्रेस को बैन जरूर कर दिया था, बट उसके बावजूद देश में कांग्रेस के प्रति प्यार बढ़ गया था, वुमेन्स ने घर से बाहर निकलना सीख लिया था, वुमेन्स ने भी फ्रीडम स्ट्रगल में इक्वल पार्टिसिपेट करने की हिम्मत आ गई थी। हाँ, नारी शक्ति का पहली बार प्रदर्शन हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था, मैंने बताया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक्ट एज पर दी साइमन कमीशन रिकमेंडेशन बनाया गया था, जिसकी वजह से इंडिया में फेडरेशन आया, इंडिया में प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी भी दे दी, जो कहा गया था वो हो गया, अर्थात जो जो रिकमेंडेशन साइमन कमीशन ने दी थी वो हो गई और वो हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के रूप में। और तो और इंडिया में इस मूवमेंट के बाद लोगों के अंदर चुनाव लड़ने की फिर से तैयारी शुरू, अब हम चुनाव लड़ेंगे, अंग्रेजों से मुकाबला करेंगे। अब आते हैं एक बहुत महान देश के प्रिय नेता, देश के यस कहते हैं आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत का संविधान, हमारे भारत को जिस कानून से चलाया जाता है, जिसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसे सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कहते हैं, उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके आर्किटेक्ट हैं श्री बी आर अंबेडकर जी, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब। क्या है इनकी कहानी, आइए थोड़ा सा जानते हैं। बाबा साहेब के नाम से जाने जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट, एक महान इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियंस, एक दलित फैमिली को अत्याचार सहे हुए व्यक्ति की कहानी है। इनके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ था बचपन से ही। हाँ, ये जहां पैदा हुए थे वो महाव नाम की प्लेस है, कहां पर है वो महाव, मध्य प्रदेश में है। इनके पिता का नाम रामाजी मालोजी सखपाल था और माता का नाम भीमाबाई सखपाल, ठीक है। इनका बचपन अत्याचार से, डिस्क्रिमिनेशन से, भेदभाव से गुजरता है, क्योंकि गांव में जहां रहते हैं वहां इनके साथ भेदभाव होता है, स्कूल में जाते हैं वहां भेदभाव होता है, एपिस्टन कॉलेज में जाते हैं, वो पहले व्यक्ति थे अपनी जाति के, इस दलित जाति के, जब जो कॉलेज में एडमिशन लिए थे, तो हर जगह उनके साथ अत्याचार हुआ, उसके साथ अन्याय हुआ, पर उन्होंने डरे नहीं, वो मुकाबला किए। इनको आगे पढ़ने के लिए, फॉरेन में पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप पे गायकवाड़ के राजाओं ने स्कॉलरशिप दी। हाँ, इनको आगे बढ़ चुकी, बहुत ब्रिलियंट स्कॉलर थे, पढ़ाई में बहुत जबरदस्त थे, इसीलिए कहते हैं पढ़ाई को अपनी अपना हथियार बनाओ, और अपने ये पढ़ाई के दम पर ये आगे गए, विदेश में बहुत बड़े बैरिस्टर बने, लंदन में बहुत नाम कमाया इन्होंने। और भीमराव अंबेडकर, जिनके साथ बचपन से भेदभाव हुआ था, उन्होंने एक पहली संस्था बनाई, पहली संस्था नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा। देखिए, बहिष्कृत मतलब somebody who is outcast, जिसको क्या कर समाज से बाहर निकाल दिया जाता है, ऐसे दलित लोग होते हैं ना पहले जमाने में, आजकल नहीं, आजकल सब बराबर है। तो इस बहिष्कृत हितकारिणी सभा को बनाया ताकि उनकी पढ़ाई कराई जा सके उन लोगों की, और उनके साथ बराबरी की जा सके, उनका वेलफेयर हो सके। और उन्होंने कई सारी बुक्स लिखी, जैसे उनपे राइट्स पीरियडिकल्स लिखे, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, इक्वेलिटी जनता, ये उनके लिखे हुए पीरियडिकल्स है जो बहुत पॉपुलर हुए। तो बहुत महान लेखक भी थे बाबा साहेब अंबेडकर जी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहला लॉ मिनिस्टर बनाया गया और चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया, जिसकी वजह से हमारे भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाया गया, इसीलिए इसका नाम इतना ज्यादा है। और आपको बताएं 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देश में इंप्लीमेंट हो जाएगा, देश में लागू हो जाएगा, और 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाना शुरू कर देंगे 1950 से।
ठीक है, 26 नवंबर को 1949 को ही प्रिपेयर हो चुका था, पर कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो इस तरीके से हमारे देश में रिपब्लिक देश हमारा देश बन जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की डेथ दिल्ली में हुई 1956 दिसंबर 6 को। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द एंटायर चैप्टर ऑफ इंडियन मास मूवमेंट या मास फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसको आप इंडियन गांधीयन एरा के नाम से भी जानते हैं। एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग यस मेरे सुपर स्टार्स हैं तो लाइक करना मत भूला करिए, अपने क्लासमेट्स को शेयर करिए, क्योंकि इन सब के लिए स्पेशल यस स्पेशल आपके लिए ये क्लासेस ली जा रही हैं। ये लाइव क्लासेस हैं, एक्सक्लूसिव क्लासेस हैं, एब्सोल्युटली फ्री क्लासेस हैं। ये सारे नोट्स आपको मिलने वाले हैं हमारे एक YouTube जो आप चैनल देख रहे हैं उस तरह से मैंने एक WhatsApp चैनल भी बनाया है आपके लिए, डेडिकेटेड चैनल बना दिया है, उसका लिंक भी आपको हम दे देंगे। हाँ, उसका लिंक WhatsApp चैनल का लिंक भी जो है हम आपको दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा WhatsApp चैनल का लिंक, और वहां से आपको क्या मिल जाएंगे, ये सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। वैसे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल रहता है और हमारा ऐप भी है सर तरुण पानी, अगर डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज डाउनलोड कर दीजिए और ऐप के फ्री मटीरियल वाले सेक्शन में जाइए, वहां से ले लीजिए। तो चलिए मिलते हैं, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। एक रिक्वेस्ट करूंगा कि समझ में आ रहा है तो प्लीज अपने सारे क्लासमेट्स को शेयर कर दो, क्योंकि आपके लिए यस आप सुपरस्टार्स के लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट आ रहा है। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।